तो भाई रातों को मैं ढूंढ रहा हूँ जगह सोने के लिए, क्योंकि सोने की बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को ये देखो नीचे सो रहे हैं भाई स्लीपिंग बैग लगा लगा के, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं सब ठंड में, और ये लोग इधर बैठे हुए हैं। देखो इन लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रही यहाँ पे सोने के लिए। अब बताओ कि कहाँ जाएंगे लोग, आप बताओ कहाँ जाएंगे भाई। वेदर थोड़ा क्लियर नहीं है इस वजह। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस आज मुझे 8th या 9th डे है उत्तराखंड में, और आज मैं फिर से रिवर में मुंह धोने के लिए नहाने के लिए आया हूँ, और उसके बाद फिर आज ट्रैक स्टार्ट करना है, रुद्रनाथ ट्रैक, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। तो गाइस जो रुद्रनाथ ट्रैक है उसकी कहावत कुछ ऐसी है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। तो आज उत्तराखंड के मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक में से एक रुद्रनाथ ट्रैक को आपको दिखाएंगे, और जो रुद्रनाथ महादेव है उनके दर्शन भी कराएंगे। गाइज फाइनली हम लोग पैकअप करके अपना पहुंच गए थे रुद्रनाथ ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि ये है मुख्य द्वार, यहाँ पे लिखा हुआ है रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार, और साथ में ये भाई भी हैं दोनों जो कि अम्बाला से आए हुए हैं। तो ये देखो रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार ग्राम सागर, तो यहाँ से ये गांव है सागर विलेज, और यहाँ से हमें जो है ट्रैक स्टार्ट करके करना है। तो भाई ये है ट्रैक, और नीचे हमने सारा सामान पैक किया था, टेंट वगैरह और छोटी पोर्टेबल गैस और थोड़ा बहुत खाने पीने का। तो नीचे जो चेक पोस्ट जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा रखा है सब निकलवा दिया, टेंट अलाउ नहीं किया, और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वो भी लेके नहीं आने साथ में। तो ऐसा कुछ है। तो अगर आप आ रहे हैं इस ट्रैक पर तो 9 किलोमीटर तक तो आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, आगे 9 किलोमीटर में कुछ नहीं मिलने वाला, फिर टेंपल के पास जाके मिलेगा। तो ऐसा कुछ ना लेके आए टेंट या फिर कोई भी गैस वगैरह किसी तरीके की अवॉइड करें। और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में कोई पेड़ वगैरह नहीं है, तो धूप ही धूप लग रही है, आज धूप भी पूरी केड़ी निकल रही है एकदम तेज भाई। यहाँ आके पेड़ मिला हमें, तो पेड़ के नीचे थोड़ी खड़े हो गए सांस लेने के लिए कि थोड़ा रुक जाते हैं। चलिए चलो, ओके ऑल गुड। कच्चे ट्रैक जो होते हैं ना सबसे बढ़िया होते हैं, ना पैरों में दिक्कत होती है ना चलने में दिक्कत, चाहे जितनी मर्जी हाइट हो चलते जाओ रिलैक्स फील होता है बंदा का। लेकिन पक्के पे पैर बहुत जल्दी भर जाते हैं। दूसरी बात, आपने घोड़े छोड़ रखे हैं, सारी गंदगी इन पत्थरों में भर जाती है, फिर उसमें मच्छर पनप जाते हैं, उसके बाद में बंदा हाँफते हुए ऊपर जा रहा है, मच्छर मुंह में जा रहे हैं, गंदगी मुंह में जा रही है ना जो, तो भाई बंदा करे क्या। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट अपना दिमाग ना लगाए भाई, नेचुरल जो चीज़ है उसको नेचुरल रहने दें, ज़्यादा बढ़िया है, आपका टूरिज्म बढ़िया से ग्रो करेगा। क्योंकि ट्रैक बहुत सारे किए हैं, हिमाचल के बहुत सारे ट्रैक कर रखे हैं,
उन्होंने कभी कोई ट्रैक पक्का नहीं करके रखा कि पत्थर लगा के सीढ़ियाँ बना के पक्का कर दिया हो, कच्चे हैं नेचुरल और मज़ा भी आता है करने में, एक से एक व्यूज। और यहाँ अपने सारे ट्रैक पक्के करके ना पूरा सत्यानाश कर रखा है ट्रैकों का। तो भाई ऐसा मत करो, ट्रैकों का मज़ा नेचुरलिटी में ही है, कच्चे रास्तों में आड़े टेढ़े रास्तों से होके गुजरते हुए और ऊपर से पक्के कर रखे हैं और सारे पेड़ काट रखे हैं। इस ट्रैक पर 3 किलोमीटर में कोई पेड़ नहीं है, धूप ही धूप है, आधी गर्मी तो इन पत्थरों की वजह से हो रखी है। छेड़ाखानी ना की जाए ट्रैकों के साथ में तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप घोड़े बंद कर लेना तो सबसे बढ़िया है, बेस्ट, तभी आपके यहाँ गंदगी इकट्ठी हो रही है। क्योंकि जो घोड़ों पर जाते हैं वो होते हैं आलसी लोग एक तरीके के, लेकिन जो लोग नेचर लवर हैं वो पैदल जाते हैं आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए, व्यूज़ देखते हुए। तो जो आलसी होते हैं वो तो गंदगी फैलाएंगे ही फैलाएंगे भाई। तो जितनी कम सुविधा दोगे उतने लोग अच्छे आएंगे, नेचुरल रहेंगी जगह और कोई भी नेचर, बिल्कुल नेचर डैमेज नहीं होगा। निकलते हैं आगे, अब जाके थोड़ी सी जान में जान आई है, क्योंकि अब जाके थोड़ा सा 200 मीटर नीचे से ये फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ है, अब जाके छांव लगी है, तो अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो भाई 5-5.5 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटी सी बुग्याल आई है और यहाँ पे ना एक साइड ये लगा है रुकने के लिए और इधर ये खाने पीने के लिए, ये छोटी सी बुग्याल है। तो भाई उन्हीं बैठे ना बिस्किट ते जूस बस। तो भाई ये बुग्याल से आगे हमें पहुंचना है वो जो ऊपर चोटी दिख रही है उसके बैक साइड स्नो पीक है वहाँ पे, अभी हम यहाँ पे हैं। We reach on Kalchant Bugyal, जो कि यहाँ से इस साइड का ऐसा व्यू है और वो छोटी बुग्याल वहाँ से वीडियो फिर मैंने यहाँ आके बनाया है लास्ट, और वो जो विलेज दिख रहा है वहाँ से नीचे हम चले थे जो है स्टार्ट। तो अब तक इतना ऊपर आ चुके हैं और व्यू कुछ अच्छा है और ठंडक है यहाँ की हवा में, नीचे तो बहुत गर्मी थी। हाँ जी भाई किवें हो फिर, सट है मामला? तो भाई ये दोनों भाई लोकली हैं और वो अपना भाई, हम तीनों साथ में चले हैं, ये दोनों भाई लोकल हैं यहीं से उखीमठ से। ओ तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ट्रैक ना वो लंबा होता जा रहा है, माउंटेन जैसे ही क्लोज आता है थोड़ा सा एक मोड़ के बाद में पता लगता है वो दूर भाग गया। बस चलते जा रहे हैं, पता नहीं कितना किलोमीटर हो गया, बट अगर वॉच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 किलोमीटर हो चुका है, 14.5 किलोमीटर वॉच के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हमने वॉच का डिस्टेंस वो लगाया था तो वो दिखा रहा है 15-14.5 किलोमीटर। और अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन है आगे बुग्याल है, तो वहाँ पे हमें कैंप साइट मिल जाए, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, कैंप साइट यहाँ पे भी है बट अभी काफ़ी स्टेमिना है चलने के लिए, तो मैंने कहा निकल लेते हैं जिससे कि कल के लिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो बहुत थोड़ा बचे। व्यू वेदर थोड़ा क्लियर नहीं है इस वजह से, बट भाई हम लोग आ रहे थे नीचे से तो 200-200 रुपए की सबकी पर्ची काटी है यहाँ पे आने के बाद में, मतलब एंट्रेंस पे, और पर्ची काटने के बाद में जब ये भी बोला गया था कि ऊपर आपको मिल जाएगा अकोमोडेशन, टेंट कैरी करके लेके आ रहे थे, टेंट नहीं लाने दिया कि टेंट अलाउ नहीं है, और जब ऊपर पहुँचे हैं तो लोग देखो बैठे हुए हैं उनको अकोमोडेशंस नहीं मिल रही। ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर सुविधाएँ,
कि आप चार्जेस भी काट रहे हो, कोई अपनी सुविधा के लिए कोई चीज लेके जा रहा है तो अलाउ भी नहीं कर रहे, और ऊपर से अकोमोडेशन भी पूरी नहीं हो रही है, है ना। या तो नीचे से आपको पता है कि 60 लोगों की, 70 लोगों की, 80 लोगों की अकोमोडेशन है तो उतने ही लोग अलाउ करो, बाकी लोगों को रोक दो, लोग नीचे रुक जाएंगे। लोग खुद अपनी सुविधा के लिए कोई चीज लेके आ रहे हैं तो वो चीज भी अलाउ नहीं कर रहे, और ऊपर से लोगों को यहाँ बिठाया जा रहा है, अकोमोडेशन ही पूरी नहीं हो रही लोगों के लिए यहाँ पे। तो अब ठंड में मरना थोड़ी ही है, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो ये हालात है यहाँ के भाई, ये 20 लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे देखो ये टेंट है, ये सब फुल है, और ये लोग इधर बैठे हुए हैं। देखो इन लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रही यहाँ पे सोने के लिए। अब बताओ कि कहाँ जाएंगे लोग, आप बताओ कहाँ जाएंगे भाई, धरना देंगे सब मिलके यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग एक गलत बात है यार, वैसे अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है नीचे कि 60-70 लोगों की अकोमोडेशन है तो बाकी लोगों को अलाउ मत करो ऊपर जाने के लिए, ना अलाउ करने का भी नहीं, अलाउ कर भी रहे तो भैया। और अगर कोई खुद का सामान कैरी करके ले जा रहा है वो भी नहीं करने दे रहे यार, अकोमोडेशन का बोलो भाई, क्या अकोमोडेशन नहीं मिल रही। बट भाई सही में यार, इनको टेंट लेके तो आने देना चाहिए। नहीं ये तो है ना, या फिर अलाउ मत करो ना आप लोगों को। तो भाई लोग देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रखी है। नीचे बताया था कि 50-60 लोगों की अकोमोडेशन है, बट यहाँ पे लोग जो है सब लोग खड़े हुए हैं, किसी को भी, ये देखो नीचे सो रहे हैं भाई स्लीपिंग बैग लगा लगा के, ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं सब ठंड में। ठंड का टाइम वो खड़े हैं, इधर देखो कैसे घूम रहे हैं लोग, इधर भी घूम रहे हैं, इधर अकोमोडेशन नहीं मिल रही भाई। लोगों के अकॉर्डिंग उतनी ही अकोमोडेशन जितनी है उतना ही अलाई करो, जिससे दिक्कत ना हो ऊपर आके। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भगा रहे हो तुम, इतनी हाइट पे आने के बाद में, दिक्कतों के बाद में इतना ऊपर आ रहे हो, और उसके बाद में अकोमोडेशन ना मिले, टेंट लेके आ रहे हैं वो तुम रखवा रहे हो, तो कैसे चलेगा यहाँ पे। लोगों को मारना है क्या, जान लेनी है क्या पैसों के चक्कर में लोगों की, है ना। पैसे की एक अलग बात होती है और कंफर्ट की एक अलग बात होती है भाई, अकोमोडेशन नहीं मिलेगी बंदे मर जाएंगे, निमोनिया थोड़ी करवाना है भाई, जो कौन लेके जाएगा यहाँ से। तो भाई रातों को मैं ढूंढ रहा हूँ जगह सोने के लिए, क्योंकि सोने की बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने बता दिया कि टेंट अलाउ नहीं किए, लोगों को भेज दिया एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में, लोगों की सेहत के साथ में, लोगों की जान के साथ में यहाँ पे जो उत्तराखंड में खेला जा रहा है। तो वो फॉरेस्ट का वो है छोटा सा, तो वहाँ गया था मैं कि कुछ मिल जाए देखने के लिए, बट उसमें भी लोग भरे पड़े हैं अंदर तक। और उसके बाद में इस साइड नीचे जो है टेंट लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो है लोग भरे पड़े हैं। और कुछ हमारे लोग हैं जो कोने में ना चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं सोने के लिए, ठंड से बचने के लिए। और कुछ लोग जो हैं, दो तीन लोग, उनके पास स्लीपिंग बैग थे, तो वो स्लीपिंग बैग लगा के बाहर खुले में, लिटरली बाहर खुले में सो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नीचे पहुँच के कि वो लोग कैसे खुले में सो रहे हैं। मतलब लोगों की जान के साथ में ना, यहाँ फायदे के लिए, चार पैसे कमाने के लिए ना, लोगों की ज़िंदगी के साथ में खेला जा रहा है। तो वो दिखाते हैं, अभी मैंने अंदर का नहीं दिखाया, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट का जो बना हुआ है उसमें अंदर भरे पड़े हैं लोग, तो मैं वही देखने गया था कि कहीं जगह मिल जाए थोड़ी सी। तो भाई ये सिचुएशन हो रही है, और देखो अपने जो बंदे हैं ना वो ये सो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ मैं टॉर्च लगा रहा हूँ ये सो रहे हैं। तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो? हाँ हाँ, ठंड नहीं लग रही? हाँ है, ठंड लग रही है? नहीं नहीं ठंड नहीं। वो बताओ क्या सीन है ऊपर? ऊपर मैं गया था, वहाँ पे भी भाई लोग ना भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े हैं अंदर। अच्छा हाँ, अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो अभी कितना, मेरे ख्याल से 9 कितने 9:15 बजे हैं अभी। चार कैसे आ जाएंगे? चार कैसे आना पड़ेगा भाई जी, आना पड़ेगा। चल हो जाएगा ना।